हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का है। राइटर है ए के रामानुजन। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी एक ऐसा किंगडम जहां पे सब के सब मूर्ख थे, फूल्स थे। थीम क्या है चैप्टर की, बेसिक आइडिया क्या है? फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल। जो मूर्ख होते हैं, जो फूल्स होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी गेस नहीं किया जा सकता कि वो क्या करेंगे, और वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान ऐसा होगा जो कभी भी कुछ भी कर सकता है बिना सोचे समझे, तो वो इंसान हमेशा डेंजरस ही होगा, खतरनाक ही होगा, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है कुछ समय के लिए हमें फायदा पहुंचाएं, बट इन अ लॉन्ग रन वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, जो अपनी विजडम यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु अपने चेले के साथ, अपने डिसाइपल के साथ एक किंगडम में गया, जो कि एक किंगडम ऑफ फूल्स था। वहाँ पे सबके सब पागल थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक ऐसे किंगडम की कहानी है जहाँ पे हर कोई फूल था, यहाँ तक कि उसका राजा और राजा का मंत्री, किंग एंड द मिनिस्टर वर ऑल्सो इडियट्स। राजा और मिनिस्टर भी मूर्ख थे। उनको अपना किंगडम कुछ अलग ही तरीके से रन करना था, उनको कुछ डिफरेंट ही करना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात को दिन बना दिया और दिन को रात बना दिया। यानी कि जो जो काम दिन में करते हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि वो सब काम आप रात को करेंगे। अपनी प्रजा को यानी लोगों को ये ऑर्डर दे दिया कि जो जो काम आप अपना, अगर खेत में जाके काम करते हैं या अपनी शॉप पे जाके आप काम करते हैं या आप स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी काम है जो जनरली दिन में किया जाता है, वो सब काम अब से आप रात में करेंगे। और जो काम रात का है यानी कि आराम करने का काम, सोने का काम, वो काम दिन में किया जाएगा। और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अगर किसी ने ये रूल्स नहीं माने तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि जैसे ही सन निकलेगा आप सबको जाके सो जाना है अपने घरों को बंद करके, और जैसे ही रात होगी सबने काम पे लग जाना है। और लोग भी एक तरह से फूल्स ही थे, वो मूर्ख थे। उन्होंने, किसी ने भी किंग के इस डिसीजन पे सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी इस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको भी मार दिया जाएगा, उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो डर के मारे भी लोगों ने ये सब करना शुरू कर दिया, और किंग और मिनिस्टर वो बहुत खुश हुए अपने प्लान, अपने एक स्टूपिड प्लान की सक्सेस पे। तो ऐसे ऐसे इस किंगडम का काम चलता गया, जो रात के काम थे वो दिन में होने लगे और जो दिन के काम थे वो रात में होने लगे। एक दिन एक बहुत ही वाइज यानी समझदार गुरु आए उस किंगडम में अपने डिसाइपल के साथ, अपने चेले के साथ, क्योंकि वो ट्रैवल करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि साधु संत करते रहते हैं। तो ऐसे ही ट्रैवल करते करते वो अपने डिसाइपल के साथ इस किंगडम में आ पहुंचे। तो जब वो उस किंगडम की कैपिटल सिटी में गए तो उन्होंने देखा कि सिटी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी, बट उन्होंने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करी कि बिल्कुल ब्रॉड डेलाइट थी, दिन निकला हुआ था, सूरज चमक रहा था, पर किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी गली में, किसी भी जगह पे कोई भी इंसान नहीं था। एकदम सब कुछ खाली पड़ा था, जैसे कि इस शहर में कोई बसता ही ना हो। और जैसे ही रात हुई तो सब अपने अपने काम में लग गए, सब उठ खड़े हुए और सब अपने अपने काम में लग गए। ये थी एक अजीब चीज़। और दूसरी वियर्ड चीज़ क्या थी,
कि उस किंगडम में सब कुछ सिर्फ एक डुडू में मिलता था, ओनली इन वन डुडू, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन जस्ट वन डुडू. चाहे आप राइस ले लें, चाहे आप बनानाज ले लें, चाहे आप घी ले लें, चाहे आप मिठाई ले लें, आप कुछ भी लें, सब कुछ आपको एक डुडू में ही मिलेगा. डुडू यानी उस किंगडम की करेंसी. तो वो तो बहुत खुश हुए. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच टू स्ट्रेंज थिंग्स वर नोटिस्ड बाय द गुरु एंड हिज डिसाइपल. तो पहली स्ट्रेंज थिंग ये थी कि सब दिन में सोते थे और रात को काम करते थे. और दूसरी स्ट्रेंज चीज़ ये थी, वियर्ड चीज़ ये थी कि वहाँ सब कुछ सिर्फ एक डुडू में ही अवेलेबल हो जाता था. तो ऑब्वियसली सब कुछ इतना सस्ता था, इतने कम पैसे में वो कुछ भी खरीद सकते थे. तो वो बहुत खुश हुए, गुरु और उसका चेला बहुत खुश हुए. बट गुरु, क्योंकि गुरु एक बहुत वाइज पर्सन था, वो बहुत ही समझदार था, वो बहुत जल्दी समझ गए कि इस किंगडम में रहना एक बहुत ही ख़राब आइडिया होगा, हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए. क्योंकि गुरु समझ गए कि यहाँ के लोग, ये सबके सब फूल्स हैं, ये सबके सब मूर्ख हैं, पागल हैं, और ऐसे लोगों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको कभी भी बिना सोचे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो गुरु ने अपने चेले से कहा कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें ये किंगडम छोड़ देना चाहिए. बट जो डिसाइपल था, वो उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी. उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, चीप फूड, सस्ता खाना, क्योंकि वो इतना समझदार भी नहीं था. ऑफ कोर्स वो अपने गुरु के जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज नहीं था, और उसको खाने का बहुत शौक था, ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग. तो उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब था, सस्ता खाना. और इस किंगडम में सब कुछ सिर्फ एक डुडू में मिलता है, तो वो जितना मर्जी चाहे खा सकता है सिर्फ एक डुडू में, और उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा ये पैसा कमाने के लिए. तो उसने अपने गुरु से कहा कि नहीं, मैं ये किंगडम छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपने जाना है तो जाइए, मैं तो यही रहूंगा. उसके गुरु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट वो नहीं माना, और आखिर में गुरु ने हार मान ली और वो किंगडम छोड़ के अकेले ही चले गए. वो डिसाइपल उसी किंगडम में रहने लगा, उसी सिटी में रहने लगा, और ऑब्वियसली वो रोज बहुत सारा खाना खाता था, घी, बनानास, राइस, स्वीट्स, सारा दिन वो खाते ही रहता था. और पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते नहीं थे, सिर्फ एक डुडू में ही मिलता था सब कुछ. तो वो धीरे धीरे, थोड़े से दिनों में ही, वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से और कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा फैट हो गया, बहुत मोटा हो गया. फिर एक दिन उस सिटी में, उस किंगडम में एक अजीब सी घटना घटी. एक दिन एक चोर एक रिच मर्चेंट के हाउस में, घर में चोरी करने की कोशिश करते हुए मारा गया. तो वो चोर उस अमीर मर्चेंट यानी व्यापारी के घर में घुसने के लिए उसने उसकी दीवार में एक होल बनाया था, एक छेद किया था. और वो एक पुराना घर था, तो जैसे ही वो उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो दीवार उस चोर के ऊपर गिर गई और वो चोर वहीं की वहीं मर गया, ही वॉज डेड. तो इसके बाद अब यूजुअली क्या होगा कि अगर कोई चोर चोरी करने किसी के घर में जाता है तो वो क्रिमिनल है. क्या वो कोर्ट में जाके जस्टिस मांगेगा कि चोरी करते हुए मेरे साथ ऐसा हो गया? ये तो नहीं होगा. पर क्योंकि ये एक किंगडम ऑफ फूल्स था, ये एक मूर्खों का किंगडम था, तो क्या हुआ कि जो चोर था उसका भाई किंग के पास गया जस्टिस मांगने, न्याय मांगने, और उसने ब्लेम डाला रिच मर्चेंट पे. उसने अपनी भाई की डेथ का पूरा ब्लेम उस रिच मर्चेंट पे डाल दिया. उसने ये कहा कि मेरे भाई की तो कोई गलती है ही नहीं, वो तो चोर था, वो तो अपना काम करने गया था. लेकिन इस रिच मर्चेंट ने इतनी घटिया वॉल बनवाई थी, इतनी बेकार दीवार बनवाई थी, कि जब मेरा भाई अपना काम करने गया वो वॉल उसके ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई, वो मर गया, तो रिच मर्चेंट को इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. अब रिच मर्चेंट को यानी इस अमीर इंसान को इसको फांसी पे लटका देना चाहिए. ये बात सुन के अब
जो किंग था, लाइक आई सेड, वो तो मूर्ख था, उसने तो ये पूछा ही नहीं, और उसके मिनिस्टर ने भी, कि उनको करना क्या चाहिए था, उनको ये सवाल उठाना चाहिए था कि आप चोरी करने गए क्यों थे। बट नहीं, उसने क्या किया, उस व्यापारी को, उस मर्चेंट को अपने दरबार में बुला लिया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी वजह से उस चोर की जान गई है, तो अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब रिच मर्चेंट ने ये बात सुनी, अब रिच मर्चेंट भी मूर्ख था, उसने भी कोई अपना डिफेंस सही तरीके से नहीं लिया कि इसमें मेरी क्या गलती है, नहीं, इसने ये बोला कि हाँ, चोर की जान मेरे घर में गई है, मेरी दीवार की वजह से गई है, बट इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि वो दीवार मैंने तो नहीं बनाई थी, वो दीवार तो ब्रिकलेयर ने बनाई थी, यानी कि एक मिस्त्री ने बनाई थी, तो आप उसी को बुलवाएं और उसी को सजा दें, क्योंकि ये उसी की गलती है कि उसने इतनी बेकार दीवार बनाई। उसकी बात सुन के किंग ने सोचा कि हाँ, बात तो ये ठीक कह रहा है, तो उसने क्या किया, उस ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री जिसने वो घर बनाया था उसको बुलवा लिया। अब वो घर इतने सालों पहले बना था कि वो जो ब्रिकलेयर था वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। जब उसको बुलाया गया तो वो आया, उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने एक गंदी दीवार बनाई, मैंने एक स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनाई, बट इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। उसने बताया कि बहुत सालों पहले जब मैं इनका घर बना रहा था, जब मैं वो दीवार बना रहा था, तो एक यंग लड़की, एक खूबसूरत सी डांसिंग गर्ल यानी कि एक लड़की, बार बार उस स्ट्रीट में आ जा रही थी, मेरी नज़रों के सामने बार बार आ जा रही थी, और उसने पैरों में पायल भी पहनी हुई थी, तो वो छन छन करती हुई आती थी, जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन टूट गया, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तो उस लड़की को देख रहा था, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, उसी की वजह से मैं अपनी दीवार अच्छे से नहीं बना पाया, तो ये सारी की सारी गलती है उसी लड़की की, आप प्लीज़ उसी को बुलवाइए और ये सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए। उसकी बात सुन के किंग ने ऑर्डर दिया उस औरत को बुलवाने का। सो ऑब्वियसली इतने सालों बाद वो जवान लड़की तो अब जवान नहीं थी, अब तो वो ओल्ड लेडी बन चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो जैसे तैसे वो आई दरबार में, उसने पूरी बात सुनी और उसने कहा कि हाँ, जो भी ब्रिकलेयर ने बताया वो तो बिल्कुल सच है, जब मुझे याद है वो दीवार बना रहा था और मैं बार 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 उसके आगे से क्रॉस हो रही थी, तो आई अग्री कि हाँ, मेरी वजह से वो अपनी दीवार अच्छे से नहीं बना पाया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। उस दिन तो मैं सुनार के पास जा रही थी, गोल्डस्मिथ के पास जा रही थी अपनी ज्वेलरी का ऑर्डर कलेक्ट करने, क्योंकि मैंने उसको अपना कुछ गोल्ड का सामान बनाने को दिया था और मेरी डिलीवरी उसी दिन देनी थी उसने, तो उसने मुझे टाइम दिया कि तुम इतने बजे आ जाना। जब मैं गई तो वो गोल्डस्मिथ, वो सुनार बोला कि नहीं, आपका सामान रेडी नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आइए। फिर मैं दोबारा गई, फिर उसने बोला कि नहीं, अभी भी रेडी नहीं है, थोड़ी देर और बाद आइए। फिर मैं दोबारा से गई, तो इस तरह से उस सुनार ने मुझे इतने सारे चक्कर कटाए, उसी की वजह से मुझे उस स्ट्रीट में बार बार आना जाना पड़ा, तो मैं अपनी मर्जी से तो गई नहीं, उस गोल्डस्मिथ की वजह से ही मुझे इतने चक्कर काटने पड़े, तो आप प्लीज़ उसी को बुलवाइए और ये सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए। उसकी बात सुन के राजा ने उस सुनार को बुला लिया। अब वो सुनार तो इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे वो राजा के सामने आया और उसने अपना डिफेंस लिया। उसने क्या बताया कि हाँ, ये जो लेडी ये जो भी बात बता रही है ये बिल्कुल सच है, मैंने इसको बहुत चक्कर कटवाए, जब भी वो अपना सामान लेने के लिए आती थी इसका सामान रेडी नहीं होता था, उसकी वजह से इसने बहुत चक्कर काटे, बट ये मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली उसी दिन जिस दिन मैंने इसकी डिलीवरी देनी थी, उसी दिन एक रिच मर्चेंट ने अपनी ज्वेलरी भी कलेक्ट करनी थी, उनके घर में कोई शादी थी और उसने मुझे बोला कि तुझे मेरा काम ही पहले करके देना है। तो फिर गोल्डस्मिथ ने बोला किंग को कि आप तो जानते ही हो ये जो रिच पीपल होते हैं इनके कितने टैंट्रम्स होते हैं, वो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, उनको तो उनका काम सबसे पहले रेडी चाहिए। तो उसने मुझे फोर्स किया और उसी की वजह से मैं उस रिच मर्चेंट का काम करने लगा और इस औरत का काम नहीं कर पाया,
तो यू नो इट्स नॉट माई मिस्टेक, ये तो उस रिच मर्चेंट की फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे मुझे करना पड़ा, क्योंकि जो रिच पीपल हैं वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, वो इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ उसी को बुलवाइए और ये पनिशमेंट भी उसी को दीजिए। अब क्या हुआ, अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आया, वो जो रिच मर्चेंट था ना वो आज के रिच मर्चेंट का फादर था, यानी कि वो मर्चेंट जिसके घर में थीफ की डेथ हुई थी वॉल गिरने की वजह से, इस रिच मर्चेंट का फादर था वो रिच मर्चेंट जिसने उस गोल्डस्मिथ को अपना काम जल्दी करने के लिए कंपेल किया था, बट वो तो ऑलरेडी मर चुका था, ही वॉज नॉट अलाइव, तो अब क्या करें। तो किंग ने सोचा कि अब किसको पनिश करें, जो कल्प्रिट है यानी जिसकी गलती है वो तो ऑलरेडी मर चुका है, तो अब किसको पनिश करें। तो देखिए पूरा सर्कल बन गया, सबसे पहले थीफ की डेथ हुई, थीफ के भाई ने इल्ज़ाम लगाया रिच मर्चेंट पे, रिच मर्चेंट ने इल्ज़ाम लगाया ब्रिक लेयर पे, ब्रिक लेयर ने एक्यूज़ किया डांसिंग गर्ल को, डांसिंग गर्ल ने एक्यूज़ किया गोल्ड स्मिथ को, गोल्ड स्मिथ ने एक्यूज़ किया रिच मर्चेंट के फादर को जो कि ऑलरेडी डेड था। तो किंग और मिनिस्टर जो कि दोनों ही फूल्स थे, उन्होंने आपस में डिस्कस करके एक प्लान बनाया, उन्होंने उस रिच मर्चेंट को बोला कि तुम्हारे फादर के क्राइम की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तो रिच मर्चेंट ने बोला कि मुझे क्यों मिलेगी, मेरी क्या गलती है, ये तो मेरे फादर की गलती थी और वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तब किंग ने उसको बोला कि क्योंकि तुमने सब कुछ उन्हीं से इनहेरिट किया है, उनकी ज़मीन, उनकी जायदाद, उनके पैसे, उनका घर, तो उनकी उनके सिंस यानी उनके किए हुए पाप भी तुम्हें इनहेरिट करने ही पड़ेंगे और उनकी पनिशमेंट भी तुम्हें ही मिलेगी क्योंकि तुम उनके बेटे हो। जैसे कि तुमने उनसे सब कुछ इनहेरिट किया है तो उनकी पनिशमेंट भी तुम्हें इनहेरिट करनी पड़ेगी। तो रिच मर्चेंट ने बहुत कोशिश की बट किंग ने उसकी एक भी नहीं सुनी और किंग ने ऑर्डर दे दिया एक नई स्टेक बनाने का जिस पे रिच मर्चेंट को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था, यानी कि उसको फांसी पे लटकाया जाने वाला था। कुछ दिन बाद जब वो स्टेक बनकर आ गई जिसमें उस रिच मर्चेंट की नेक डाल के उसको मारा जाने वाला था, तो देखा कि उसमें तो वो रिच मर्चेंट फिट ही नहीं होता था। वो स्टेक थी वो साइज में कुछ बड़ी थी और जो मर्चेंट था वो बहुत दुबला पतला सा था, तो उसमें वो फिट नहीं हो रहा था अच्छे से। तो किंग ने बोला कि सबने बोला अब क्या करें, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक नई स्टेक बनवा लो, उस फूल किंग ने बोला कि नहीं, हम इस स्टेक को वेस्ट नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, रिच मर्चेंट की जगह पनिश करने के लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो मोटा तगड़ा हो और जो उस स्टेक में प्रॉपरली फिट आ जाए। तो जो उसके मैसेंजर्स थे किंग के, जो उसके सिपाही थे, वो गए ढूंढने और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था जो डिसाइपल था वो खा खा के इतना मोटा हो चुका था कि जैसे ही सिपाहियों ने उसको देखा वो उसको पकड़ के किंग के सामने ले आए। डिसाइपल ने किंग के सामने बहुत रिक्वेस्ट की, उसने बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इट्स नॉट माई मिस्टेक, आप किसी और की गलती की सज़ा मुझे कैसे दे सकते हैं। बट फुलिश किंग और उसके मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं सुना। उस वक्त डिसाइपल को रियलाइज हुई अपनी मिस्टेक, उसको उस वक्त अपने गुरु के वर्ड्स याद आ रहे थे कि वी शुड नेवर लिव विद फूल्स, वी शुड नेवर ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर अनप्रिडिक्टेबल, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आ रहे थे, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि जो उसका गुरु था ना वो बहुत वाइज भी था और उसके पास मैजिकल पावर्स भी थी, वो उसके पास शक्ति थी कहीं भी बैठ के कुछ भी देखने की। तो जो गुरु था ना उसने सब कुछ देख लिया अपनी मैजिकल विजन में, उसने सब कुछ देख लिया कि उसके डिसाइपल पे कौन सी मुसीबत आ गई है। तो क्योंकि वो बहुत अच्छा था, उसे अपने डिसाइपल की बहुत परवाह थी, तो उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूं, मरेगा तो मरेगा, उसने मेरी बात नहीं मानी, ये सोचने की बजाय गुरु ने डिसाइड किया उसको हेल्प करने का और फटाफट से गुरु आ गया उसी किंगडम में उसको हेल्प करने। तो जैसे ही वो आया
उस वो एक प्लान बना के आया था, ऑफकोर्स ही केम विद अ प्लान। तो आते ही उसने अपने डिसाइपल के कान में धीरे से कुछ कहा, तो ऑब्वियसली उसने अपना प्लान उसके साथ शेयर किया। उसके बाद उसने किंग को बोला, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे डिसाइपल को मारने से पहले, उसको फांसी चढ़ाने से पहले आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे फांसी दे दीजिए। तो किंग तो बहुत शौक हो गया ये बात सुन के, बहुत हैरान हो गया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो ये कहे कि आप मुझे मार दीजिए। इतने में डिसाइपल बोला, नहीं नहीं जनाब, आप इन्हें मत मारिए, प्लीज़ आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे ही मारेंगे, तो आप तो मुझे ही मारेंगे पहले, आप इनको नहीं मारेंगे मेरे गुरु को। तो वो आपस में आर्ग्यू करने लगे, गुरु बोला कि पहले मुझे मरना है और डिसाइपल बोला कि पहले मुझे मरना है। तो मिनिस्टर और किंग बहुत कंफ्यूज हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो किंग ने डिसाइपल से पूछा कि ऐसा क्यों है, आप मरना क्यों चाहते हो? तो डिसाइपल ने बोला कि एक शर्त पे मैं आपको बता दूंगा, बट आपको फिर मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पहले मुझे ही मारेंगे। तो किंग ने बोला ठीक है, अब आप मुझे बताएं। तो गुरु ने बोला कि एक्चुअली ये जो आप जो हो ना, वो एक ग्रेट किंग हो दुनिया के, और जो आपका किंगडम है वो ग्रेटेस्ट किंगडम है, और ये जो स्टेक है ये स्टेक ऑफ गॉड है, ये कोई साधारण स्टेक नहीं है, ये तो स्टेक ऑफ जस्टिस है, ये तो गॉड की स्टेक है, और जो भी इस स्टेक पे सबसे पहले मारा जाएगा वो अपने नेक्स्ट बर्थ में यानी अगले जन्म में वो इस किंगडम का राजा बनेगा, और जो इस स्टेक पे दूसरे नंबर पे मारा जाएगा वो अपने नेक्स्ट बर्थ में इस किंगडम का मिनिस्टर बनेगा। तो ये सब सुन के तो राजा एकदम सरप्राइज हो गया, उसने जो फांसी थी वो डिले कर दी, वो पोस्टपोन कर दी, बोला कि ओके कल कल मारेंगे इनको, आज नहीं मारेंगे, और उनको जेल में पहुंचा दिया। रात को मिनिस्टर और किंग ने आपस में डिस्कशन की, और वो पागल तो थे ही, वो गुरु की बातों में आ गए। तो किंग ने बोला कि हम अपना किंगडम इस गुरु को क्यों दें, क्यों ना हम ही अगले जन्म के राजा बन जाएं, फिर से राजा बन जाएं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तो अभी राजा हैं, वी आर किंग, यू नो आई एम द किंग राइट नाउ, मुझे मरने की क्या ज़रूरत है। उसने प्रेजेंट का नहीं सोचा, बट फ्यूचर में राजा बनने के लिए उसने डिसाइड किया कि नहीं, एक काम करते हैं, हम ही मर जाते हैं ताकि हम दोबारा जन्म लेके फिर से राजा और फिर से मिनिस्टर बन जाएं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया और अपने मैसेंजर्स को बुलवाया और उनको ऑर्डर दिया कि आज रात को तुम्हारे पास जो भी इंसान फर्स्ट नंबर पर आएगा तुमने उसको फर्स्ट नंबर पर फांसी देनी है, और जो दूसरे जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको तुमने सेकंड नंबर पे फांसी देनी है। तो उसके मैसेंजर्स बोले ओके। उसके बाद अपना भेस छुपा के, अपने आप को हाइड करके किंग गया, तो एज टोल्ड उन्होंने तो किंग को मार दिया। उसके बाद मिनिस्टर गया और वो पहचान ही नहीं पाई जो मैसेंजर्स थे, क्योंकि किंग और मिनिस्टर तो अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखा के भेस बदल के गए थे। तो वो दोनों मर गए और अगले दिन वो फ्री हो गए, जो गुरु और उसका डिसाइपल थे वो फ्री हो गए। अब वो दोनों किंगडम छोड़ के जा रहे थे, उन दोनों की जान बच गई, गुरु की विजडम, उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से उन दोनों की जान बच गई। फिर क्या हुआ कि जब वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उस किंगडम के सारे लोग शोक मना रहे थे अपने राजा और मिनिस्टर के मरने का, वो रो रहे थे और कह रहे थे कि अब हमारे किंगडम को रूल कौन करेगा, हमारा राजा अब कौन बनेगा, क्योंकि हमारा राजा तो मर गया। तो उनको एक आइडिया आया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया गुरु को कि प्लीज़ आप ही हमारे किंगडम के नेक्स्ट राजा बन जाइए। तो गुरु ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं फूल्स का यानी मूर्खों का राजा मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने और रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप राजा बन जाइए, और डिसाइपल को रिक्वेस्ट किया कि आप मिनिस्टर बन जाइए। तो आप समझ ही गए होंगे कि डिसाइपल तो बनना ही चाह रहा था, बट गुरु की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया। तो गुरु ने एक कंडीशन लगाई, गुरु ने कहा कि ठीक है, फिर एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी, मैं एक ही कंडीशन में तुम्हारा राजा बनूंगा कि आज के बाद जो दिन में होने वाले काम हैं वो सब दिन में होंगे, और जो सोने का काम है, रिलैक्स करने का काम है, वो रात को होगा, मीन्स डे विल बी डे, नाइट विल बी नाइट। और दूसरी शर्त ये थी कि आज के बाद इस किंगडम में कुछ भी
एक डुडू में नहीं मिलेगा। सबको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा और फिर जो भी खरीदना है वो खरीदो। सो ये कंडीशन लगाई, लोगों ने कंडीशन मान ली और फिर उस किंगडम को रूल किया गुरु ने और उसका मिनिस्टर बना उसका डिसाइपल। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। आई होप आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप जरूर सुने। इसी चैप्टर की समरी इंग्लिश में भी मैंने अपलोड की है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वो ज़रूर सुनो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आंसर्स को लिखने में, क्योंकि आफ्टर ऑल पेपर अटेम्प्ट तो आपको इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में नहीं। दैट्स ऑल अबाउट इट। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।